फल्गुनी पाठक का निधन हो गया। फैंस को कह दिया है हमेशा के लिए अलविदा। हेलो एवरीवन, बायोग्राफीज के में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को आइकॉनिक सॉन्ग्स देने वाली फल्गुनी, जिनके गाने आज भी पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, सुरों की मलिका। इनका फुल नेम फल्गुनी पाठक था, जबकि इनका निक नेम है क्वीन ऑफ डांडिया। ये प्रोफेशन से सिंगर और म्यूजिक कंपोजर थी। इनका जन्म हुआ 12 मार्च 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के प्राइवेट स्कूल से की और वहीं कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने SMT MM के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक मुंबई से की। इन्होंने BCom किया है। बता दें कि फल्गुनी पाठक को बचपन से ही सिंगिंग करने का बेहद शौक था। जब ये छोटी थी तो रेडियो से ही म्यूजिक सुनकर इन्होंने गाने सीखे। इनका पहला एल्बम 1998 में रिलीज हुआ, जिसका नाम था याद पिया की आने लगी। इनका ये एल्बम काफी ज्यादा हिट गया। इसके एक साल बाद यानी 1999 में इनका दूसरा एल्बम आया, जिसका नाम था मैंने पायल है छनकाई। इन्होंने बॉलीवुड में कई गाने रिकॉर्ड किए और इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड मूवीज के लिए भी काफी ज्यादा सॉन्ग्स गाए। इन्होंने ताथैया ब्रांड की शुरुआत की, जिसके चलते इन्होंने भारत और इससे बाहर कई मुल्कों में शोज किए। इन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन बनेगा करोड़पति, कॉमेडी नाइट विद कपल, बा बहू और बेबी जैसे टीवी शोज में एज अ गेस्ट अपीयरेंस दी। इनके गानों को आज भी पूरे देश में सुना और सराहा जाता है। फल्गुनी पाठक जी के एल्बम ना सिर्फ सॉन्ग बल्कि उसमें दिखाई गई कई लव स्टोरीज के लिए भी काफी ज्यादा जाने जाते थे। इन्हें गुजरात में स्पेशल नवरात्रि की परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है। इनके सबसे ज्यादा हिट गानों में चूड़ी जो खनकी हाथों में, मैंने पायल है छनकाई, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, आई परदेश में परियों की रानी और सावन में शामिल हैं। साल 2013 में फल्गुनी पाठक ने नवरात्रि के इवेंट पर परफॉर्म करके 200 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। बता दें कि फल्गुनी पाठक की चार बहनें हैं। इन्होंने आज तक शादी नहीं की। ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहती हैं। लोग अक्सर फल्गुनी को लेकर ये सवाल किया करते थे कि आखिर फल्गुनी के बाल इतने छोटे क्यों हैं और ये लड़के जैसी लुक में क्यों रहती हैं? तो बता दें कि फल्गुनी सिर्फ चार बहनें थीं और फल्गुनी अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए उन्हें एक भाई का शौक था। और फल्गुनी ने बचपन से ही अपना बॉय हेयर कट रखा और आज तक इन्होंने अपने बाल लंबे नहीं किए। इनके गाने आज भी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय से इंटरनेट पर यह दुखद खबर सामने आ रही है कि सिंगर फल्गुनी पाठक का निधन हो गया, जिसको जानकर फैंस बेहद परेशान हुए और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बता दें कि इन खबरों में कोई भी हकीकत नहीं है, ये सब महज अफवाहें हैं। वो बिल्कुल ठीक हैं और वेस्ट मुंबई, महाराष्ट्र में अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रही हैं। वैसे आपको फल्गुनी पाठक जी के गाने कैसे लगते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद इस तरह के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखते रहिए बायोग्राफीज केव।